हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा जो वीडियो हम बनाते हैं और आप वो देखते हो, ऐसे लगाए प्लांट वैसे लगाएं, तो हम उसका फीडबैक आपको बोलते हैं कि फीडबैक देंगे। तो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, चलो हमारे टेरेस के गार्डन पर टूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा आज से 2 से 3 महीने पहले लगभग हमने टमाटर के पौधे लगाए थे और अब इसका जो फीडबैक है आप देख सकते हो। शुरुआती तौर पे जैसे अपने वीडियो देखी थी, गमले बिल्कुल खाली थे, अब ये भर चुके हैं, बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं इसमें और टमाटर भी लग रखे हैं। ग्रीन ग्रीन टमाटर है अभी, तो अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। तो आप देखिए टमाटर का फीडबैक है, और ये अभी और बड़े होंगे। तो होप करता हूँ आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपके भी टमाटर ऐसे हो गए होंगे या आगे हो जाएंगे। आप अगर ट्राई करोगे तो ये वीडियो देख के। ये हमने मनी प्लांट पोर्टल पे लगाया था और ये टमाटर के छोटे छोटे हैं जो उसके बाद लगाए थे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके छोटे में ये कैसे होते हैं। और ये गमले वाले हैं जो बड़े बड़े वाले हैं जो। और अब मैं आपको एक बेल दिखा रहा हूँ जो आपको अपने घर पे लगानी चाहिए, बहुत अच्छी भी लगती है और ये आपको सब्जियाँ भी देता है। हाँ जी, ये है फलियाँ, ये पहाड़ी फली है। वैसे आप जैसे इसको देखोगे इसके साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं, अभी ये बिल्कुल छोटे हैं, इससे थोड़े और बड़े होंगे, ये लगभग दुगने हो जाएंगे। तो ये 2 बेल लगाई मैंने, बहुत अच्छी लगती है ये अपनी टेरेस पे अगर आप लगाओगे और इसको फैला के अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है ये। देखो ये मेरा दूसरे वाला है और इसकी फली भी इसमें भी लग रही है, थोड़ी ऊपर ऊपर है। ये उसके बाद लगाई थी, इसमें छोटी सी फलियाँ हैं और ये यहाँ से आप जैसे देख रहे हो। और ये आलू के पौधे हैं, आप आलू के पौधे देखिए, बहुत सारे आलू हैं। जब ये पौधे मर जाएंगे तब इसमें से हम आलू निकाल लेंगे। अभी तो ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि बहुत ही अच्छे से इनको प्रोटीन जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है। अब ये देखिए आप, अभी मटर के जो हमने पौधे रिसेंटली ये वीडियो लगाई थी, उससे पहले भी हमने लगाई थी बट वीडियो थोड़ी बाद में बनाई थी। तो मैं आपको मटर के पौधे दिखा देता हूँ हमने कहाँ कहाँ लगा रखे हैं, छोटी छोटी जगह पर हमने मटर के पौधे लगाए हुए हैं। देखिए जैसे ये रियल फ्रूट जूस का था, उसको भी काट के हमने गमले में तब्दील कर दिया। और ये उस बेल के साथ थोड़ा सा छोटा सा लगा दिया था मटर का, और ये हमने कई उसमें ना मिक्स कर दिया था ताकि एक कॉम्बिनेशन टाइप बन जाए उनका, क्योंकि मटर को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। और ये सबसे बड़ा है जो सबसे पहले लगाया था मटर का, और ये रिसेंटली जो हमने वीडियो बनाई थी उस रियल फ्रूट वाले जूस के साथ। तो अब करता हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।